राजवीर सिंह कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। अगर मेरा समाज मेरे साथ है, समाज के बुजुर्ग मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, तो निश्चित तौर से मैं इस बार साबित कर दूंगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली भी हमारी थी। हो सकता है कि कहीं चूक हो गई होगी, उसको हमने सुधार ली। अब ये भी दिल्ली हमारी है और विधानसभा की दिल्ली भी हमारी है। ये दोनों दिल्ली हमारी रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम ये साबित कर देंगे। हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जिस चीज के लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है, जिस चीज के लिए बहन जी जाने जाते हैं, ये 5 दिन हमारे बहुत मुश्किल वाले दिन है। इसलिए सब लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने बहन जी की बात को नीचे नहीं आने देना, हमने कड़े अनुशासन का पालन करना है। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो हमें पीछे नहीं हटना है। चुनाव 1 महीने बाद कराएगी, वो सरकार की ड्यूटी है, हम उसका जवाब उसी की भाषा में देंगे निश्चित तौर से। इसलिए किसी को भी डरना नहीं है, हटना नहीं है। सबसे पहले जाके और अपना वोट डालना है। हमारा वोट हमारे को डल गया, इसका मतलब उन्हें तीनों पार्टियों को पीछे छोड़ दिया, ये निश्चित हो गया। जो सर्व समाज हमारे साथ है वो जब हमारे को पोलिंग करेगा तो हम इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे कि दिल्ली बनने के बाद में आज तक इतने वोटों से कोई नहीं जीता। मान्य राजनीति संघर्ष करो, मान्य राजनीति संघर्ष करो, मान्य राजनीति संघर्ष करो। आपके पास सुरेंद्र जी जैसे नेता हैं, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मंच पे बैठे हैं, मैं पीछे से भी कहता हूँ, इनके पैर में दिक्कत है। ये रोज जब भी मेरे साथ गाड़ी में होते हैं तो कहते हैं कि मेरा पैर मुड़ नहीं रहा है। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे से ज्यादा जनसभाएं लेते हैं, मेरे से ज्यादा ऑफिसों में मीटिंग ले रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि इनका अपना कोई पर्सनल स्वार्थ है। अगर इनका स्वार्थ है तो एक ही स्वार्थ है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की जीत। जब ये इस हिसाब से काम करते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरे पैर अभी बिल्कुल ठीक है, उनमें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 10 मीटिंगें लेते हैं तो मेरे को 20 लेनी चाहिए। तो अगर मैं 20 मीटिंगें ले रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 600 लोग हैं, कम से कम हमारी शाम तक ज्यादा नहीं तो 1800 मीटिंगें जरूर होनी चाहिए। आप एक एक आदमी को भी अगर समझाएंगे तो आप 2000 लोगों को समझा लेंगे। 2000 लोगों को अगर डबल वोट भी हम करते हैं तो 4000 वोट एक आदमी के पास होता है। आप इस बात को समझो, हम 11 लाख लोग हैं, हम 4 लाख नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा दिल कहता है कि इस बार मुस्लिम समाज का इस लोकसभा से जितना वोट पोल होगा वो सारा का सारा बहुजन समाज पार्टी को आ रहा है, वो सारा का सारा बहुजन समाज पार्टी को आ रहा है। अपने समाज की मीटिंगें मैं कम लेता हूं क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरा समाज मेरे साथ है। समाज की मीटिंगें सिर्फ इसलिए कि आपको अवेयर कर सके, जो चीजें हमारे को सुनने को मिल रही है वो आपको बता सके। इसलिए अब ये 5 दिन हमारे लिए ऐसे कठिन का है कि हमें अपने समाज को, अपने आप को बचा के रखना है। ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह जितना जल्दी हो सके पोलिंग बूथ पे जाके लाइन लगाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें। जाति और धर्म की बात करने वाले, हमारे को लड़ाने वाले, बिखेरने वाले सब जाएंगे। हमारे समाज का कोई भी नेता अगर किसी भी पार्टी में है तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज इस बार वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाए। हम ये साबित कर देंगे कि इस समाज को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। एक पद होता है, उसके दावेदार 10 हो सकते हैं समाज में, लेकिन समाज को ये सोचना चाहिए कि हम समाज के बैनर के नीचे अगर एक आदमी हमारा जीतता है और बाहर अगर हमारे 9 आदमी जीतते हैं तो मेरे को लगता है कि उन्होंने समाज को खराब करने के अलावा दूसरा काम नहीं करा है। उससे बेटर है कि हम एक आदमी जीता लें, वो समाज की बात वहां पहुंचाने की ताकत रखता है जहां वो बात पहुंचनी चाहिए। दूसरा आदमी कोई नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आ जाएं, बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट कराएं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो मान्यवर साहब ने सपना देखा था, निश्चित तौर से वो साकार होगा। और आप सोचिए इस बात को कि 70% काम उन्होंने अकेले किया है, हमारी उसमें कोई भागीदारी नहीं है। कोई मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, यह बात सच है। 70% काम सत्ता तक पहुंचने का बहन जी ने अकेले दम पे करा, सिर्फ और सिर्फ अकेले दम पे अपनी सोच से। क्या हम लोग 30% भी नहीं कर सकते? बाबा साहब को मानने वाले 30% भी नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से सुनना नहीं है। लेकिन अगर हमारे आन बान शान और स्वाभिमान पे अगर कोई बात आती है तो हमें उसका जवाब उतनी ताकत से देना है। ये सरकार का काम है कि वो चुनाव इस बार कराएगी कि 2020 में कराएगी, वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर कोई हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात करेगा तो उसको जवाब उसी की भाषा में मिलेगा, बाकी डबल मिलेगा।
अगर चुनाव कैंसिल होएगा तो उन तीनों पार्टियों की वजह से होगा, बहुजन समाज पार्टी की वजह से नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी को पहचानने वाले जानने वाले ये कोशिश करें कि हम संविधान के दायरे में रहे, हम कानून के दायरे में रहे। लेकिन अगर कोई हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात करेगा, मैं मन से कह रहा हूँ, पुलिस वाले भी हमारे सुन रहे, हो सकता है कि इस बात पे FIR दर्ज हो जाए, लेकिन मैं फिर जोर देकर आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात करेगा तो हम चुनाव भूल जाएंगे, पहले उसका जवाब देंगे। राजनीति संघर्ष करो, मान राजनीति संघर्ष करो, मान रंजी संघर्ष करो, मान रंजी संघर्ष करो। मैं इस बात से आज बहुत तकलीफ में हूँ, ये सच बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब मेरे लोगों को, इस समाज के लोगों को वो भड़का के सिर्फ बांटने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वोट उनको नहीं मिलने वाला है, वो जान गए हैं, पहचान गए हैं। इसलिए आप लोग एक रहना, समझ के रहना, समझदारी से रहना, कानून का कड़ा पालन करना, यही मेरे को आपका कहना है। सब आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को चाहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले हैं, संविधान को चाहने वाले हैं। इसलिए अपना काम सबसे पहले जाके करें, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, हाथी वाला बटन दबाएं, बाकी काम हम सब बाद में करेंगे। जय भीम, धन्यवाद।